हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हाँ, हम आज शिफ्ट होने वाले हैं और क्यों होने वाले हैं सब कुछ मैं बताती हूँ इस वीडियो में। एक्चुअली में क्या है कि हमारा प्लानिंग यहाँ पे आने के बाद ही तुरंत ऐसा था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। मतलब जो ब्रोकर हम लोग को ये सजेस्ट किया था, ये वाला जो घर, तो हम लोग के पास टाइम नहीं था उतना ज़्यादा कि हम और सर्च करें घर, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग को वो वाला घर जो उसको जल्द से जल्द हमें खाली करना था, बिकॉज जो लैंडलॉर्ड थे उनको ज़रूरत थी अपने घर की, तो हमको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। और जब यहाँ पे आए ना, तो उसके बाद में हम लोग को सब चीज़ें पता चली कि यहाँ पानी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हो गई थी, और फिर उसमें ब्रोकर को मतलब बोलना चाहिए था, वो सब ब्रोकर के पास साथ भी बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी पहले स्टार्टिंग में कि तुमको बताना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है यहाँ पे और पानी की तो मतलब पहले ज़रूरत पड़ती है। तो पानी में क्या था ना कि एक साइड पे आता था ना, तो पानी तो दूसरी जगह पे आप चालू करोगे ना टैप, तो उसमें नहीं आएगा पानी, ऐसा सकता, तो ये तो नहीं चलता है ना, क्योंकि फैमिली को रहना है। अभी बैचलर होते तो भी ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स थे। एंड अभी तो फिलहाल तो वो सब प्रॉब्लम ठीक हो गए, लेकिन उसमें मेन चीज़ क्या है कि हम आरओ लेके आए थे जब स्टार्टिंग में नया, तो यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, उसके बाद में वो आरओ भी फिट नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पुराना स्टाइल में है, और पुराने स्टाइल में है तो यहाँ पे उतना मतलब जगह नहीं रखी हुई है, और आरओ वाली जो सिस्टम है यहाँ पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो अलग स्टाइल से ऊपर सब बनाया हुआ है, तो उसमें जगह नहीं थी किचन में, तो किचन में जगह ना होने की वजह से हम आरओ फिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो हमारा आरओ ऐसे ही पड़ा है। तो वो चीज़ भी है कि हमें अभी ये सब चीज़ें पड़ी रहे तो फिर अच्छा नहीं है कि हम अपनी चीज़ होते हुए भी यूज़ नहीं कर पा रहे। फिर दूसरा है कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है उसका भी फिटिंग का कोई इतना अलग से अरेंजमेंट नहीं था, हमें उसको बाथरूम में ही अटैच करना पड़ा, और बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा मतलब जगह स्पेस वो रोक के रखा है, और उस पर पानी कंटिन्यूसली गिरता ही है, क्योंकि कुछ भी कर लो पानी गिरेगा ही उस पर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो चीज़ें हैं वो सारी बिगड़ जाए, और इसी वजह से हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। और सब कुछ अभी ऐसा चल रहा है ना कि यहाँ पे रहने का ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है कि हम ऐसे सब डिफ़िकल्टीज़ मतलब फेस करें और उसके बाद भी यहाँ पे रुके रहें। तो जब से मैं आई थी ना, तब से मैं सोच रही थी कि कोई और घर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन फिर ऐसा हो रहा था कि मैं ब्रोकर के थ्रू जाऊँगी तो फिर ऐसा ही होगा मेरे साथ दूसरी बार, और मैं फिर से एक और झमेले में घुस जाऊंगी। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी रहने देते हैं, थोड़ा कोई मतलब पहचान वाला दिखा रहा है तो ठीक है, बाकी ऐसे नहीं जाना है कहीं पे कि आंख मूंद के बस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने देख लिया ब्रोकर के थ्रू, तो ऐसा नहीं कि ब्रोकर सारे वैसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे साथ जो फेस हुआ मैं वो दोबारा मतलब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हर टाइम आप कितनी बार घर चेंज करोगे ना, मुझे अभी ऐसा है कि मैं एक जगह पे स्टेबल रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ वहाँ बहुत हो गया, अभी नहीं करना है, क्योंकि मूव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा ऐसा है कि अभी आज तो मतलब मैं अभी मटका रखने की जो पूजा रहती है ना, वो ही करने जा रहे हैं हम नए घर में, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सब सामान अलग से रखा हुआ है, ये पीछे जो बैग्स देख रहे हो उसमें सारे कपड़े भर के रेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग पहले पूजा करने जाएंगे वहाँ पे, और शायद से आज ही शिफ्ट करने का प्लानिंग है, क्योंकि कल से फिर सबका बिजी शेड्यूल चल रहा है और फिर नहीं हो पाएगा। तो ये वाला जो मेरा नया घर है ना, उसमें क्या है कि वो मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे मिला है, तो उसी वजह से हम लोग फिर ट्रस्ट करके निकल रहे हैं कि चलो उसने देखा, मतलब वो वहाँ रह रही है ऑलरेडी, तो उसी के कॉम्प्लेक्स में है, तो वो चीज़ अच्छी है कि सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, और हम लोग देख के भी आए, अच्छे से सब कुछ चेक करके आए हैं, मूव करेंगे। सो चलिए, अभी मैं निकल रही हूँ थोड़ी देर में, और हम लोग पूजा करके फिर आते हैं। सबसे पहले वहाँ पे किचन का सामान पहुँचा दूंगी, और उसके बाद सब कुछ आएगा, तो किचन का सामान और सब कुछ जो जो छोटी छोटी चीज़ें ये सब हैं वो सब गाड़ी में चली जाएगी, और बड़ा जो व्हीकल करेंगे उसमें सब बड़ी चीज़ें चली जाएगी। तो पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में हम लोग किए थे सब कुछ,
इस बार उतनी जल्दी नहीं है। और मतलब हम लोग को पता था कि आजकल में हम लोग को शिफ्ट होना ही है, तो हम लोग ने उस हिसाब से सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। मैंने सारे कपड़े अपने धुल के अच्छे से पैक करके रखे हुए हैं, गर्म कपड़े भी धुल दिए हैं और सब कुछ मतलब सेट करके रख दिया है। तो वो सारी चीजें हम लोग को पता थी पहले से, इसलिए इस बार उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा जितना पिछली बार हुआ था। मैं एम्प्टी हाउस टूर का भी एक वीडियो डाल दूंगी जो अलग से जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो आप अलग से देख सकोगे। तो यहाँ पे मैं अपने नए घर में आ गई हूँ जहाँ पे मटका लेना रहता है, छोटा सा मोटा सा कोई भी आप ले सकते हो, मतलब आपको फिर उसको यूज़ भी कर सकते हो आप। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा मटका नहीं चाहिए था तो मैंने छोटा सा मटका लिया था और उसमें पानी फुल भर के उसकी पूजा करनी रहती है। और उसमें पानी भर के ना एक मतलब आप एक ये रख के एक ऐसा साइन दे रहे हो कि हम यहाँ पे अगर रहने आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगे, तो इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ हम लोग ये चीज़ करते हैं। हमारे रिचुअल्स फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम किसी भी घर में रहने जाए चाहे वो अपना हो या फिर रेंटेड अपार्टमेंट हो। तो ये रेंटेड अपार्टमेंट है लेकिन फिर भी हम सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं और साथ में दिया बत्ती भी करनी रहती है। और हमारे पास जो छोटी सी मूर्ति जो भी भगवान की हो वो हम रख सकते हैं, या फिर गणेश जी तो हम हमेशा रखते ही है हर एक पूजा में पहले। तो मेरे पास गणेश जी की ऐसी मतलब फ़ोटो वाली एक छोटी सी फ्रेम थी, तो उसको मैंने रख के फिर ये सारी पूजा स्टार्ट की। और सब जगह पे साथिया बनाना रहता है और ये सब रहता है, गुड़ यहाँ पे रख के फिर उसको प्रसाद में लेके खाना रहता है। तो ये सारी प्रोसीजर मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ।